शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हनीफ शेख के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल शहर में तेजी से फैल रहे डेंगू मलेरिया एवं बुखार के केस को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एल राठौर से मिला एवं ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया जाता है। अभी हाल ही में एक युवक जो कि जिले चिकित्सालय में भर्ती था, चिकित्सालय की लापरवाही के कारण उसका निधन हो गया। ज्ञापन में जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष अजय लोढ़ा, सद्भावना प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष रफत पयामी, संदीप सलोत, सुनील बसेर, सादिक गौरी आदि उपस्थित थे। हाँ, ये प्रतिनिधि मंडल जो है ज्ञापन देने आए हैं और उनने जो है मंदसौर जिले में जो है डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा है कि ये जल्दी जल्दी कंट्रोल हो जाए, इसके लिए जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग है ना कार्रवाई करें। दूसरा, उनने जो है जिला अस्पताल की समस्याओं को लेके भी बात बताई है कि यहाँ पे जो है मरीजों को है ना बिना इलाज के जो है रिफ़र कर दिया जाता है, जबकि यहाँ इलाज हो सकता है। प्लेटलेट्स के मामले में भी उन्हें बताया है कि वहाँ पे रसीद काटने वाले रिश्वत लेते हैं। साइकिल स्टैंड में भी जो है अव्यवस्थाएँ हैं उसके बारे में भी बातचीत करी है। और शहर में प्राइवेट अस्पताल जहाँ भी आयुष्मान जो भारत के तहत निःशुल्क सेवाएँ दी जाती है उसमें भी जो है डेंगू के मरीजों का जो है निःशुल्क इलाज नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हमने जो है ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया है। नहीं, आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो जिस तरह से डेंगू और मलेरिया और जो फीवर जो मंदसौर नगर के अंदर फैल रहा है तेज गति से और जो अव्यवस्था जिला चिकित्सालय में हम लोगों ने देखी है उसको रेखांकित करते हुए एक पॉइंट टू पॉइंट CMHO राठौर साहब से भी चर्चा करी और उनको बताया कि जिस तरह जिला चिकित्सालय में खाली एक रेफर सेंटर बन गया है, कोई भी मरीज आता है घंटे दो घंटे रखते हैं और उसको रेफर कर दिया जाता है। आज आम आदमी गरीब आदमी इतना त्रस्त है, परेशान है कि वो कहाँ से एक सामान्य व्यक्ति भी उदयपुर इंदौर कहीं भी ले जा। दूसरा, जिस तरह से डेंगू फैल रहा है और डेंगू को लेकर जिला चिकित्सालय में कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करी गई है, एक सामान्य मरीज की तरह डेंगू के मरीज को डाल दिया जाता है। उसकी जो जांच रिपोर्ट है, जो ब्लड रिपोर्ट आना चाहिए डेंगू की, वो 24 घंटे के लिए अंदर नहीं आ रही है और जो नर्सें हैं जो स्टाफ है वो बराबर प्रॉपर उन लोगों को ध्यान नहीं दे रही। ऐसे ही एक घटना राखी के दिन एक घटना घटी है और जिस तरह से एक 13 साल का जो लड़का जाफर करके था मेरे सामने, मैं खुद अस्पताल में आया, डॉक्टर से चर्चा करना चाहिए कि इसको बीमारी क्या है, तो किसी ने कुछ नहीं बताई और आखिर में उन्होंने बस यही बोला कि आप रेफ़र कर दो और सुबह से उसका ब्लड लिया लेकिन शाम तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। जब शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में जब लेके गए और उसकी रिपोर्ट आई तो उसको डेंगू था और डेंगू में भी ब्लड रेट इतने कम हो गए थे कि आखिर में उसको रात को 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। जाटिया के साथ वकार खान की रिपोर्ट।